नाउ दिस रीजन इज ब्लैक सॉइल, इज इन ब्लैक सॉइल. जो ये रीजन है वो किस में? ब्लैक सॉइल है. एंड दैट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन. ये जो ब्लैक सॉइल है ये किसके लिए अच्छी है? कौन सी क्रॉप के लिए? फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन के लिए. द छोटा नागपुर प्लेट्यू इंक्लूड्स, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है कहाँ पर है? यहाँ पर. ठीक है, ये सारी एरिया जो है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है. इट इंक्लूड्स झारखंड, नॉर्दर्न उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़. ये सारे जो है एरिया को इंक्लूड करता है. दिस इंटायर रीजन इज़ रिच इन वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज कोल. जो ये पूरा रीजन है वो कौन से मिनरल से, वो बहुत ज़्यादा कौन से वैल्यूएबल मिनरल्स हैं यहाँ पे? कोल, आयरन, मैगनीज, बायोटिक्स एंड मिका. द माइंस आर लोकेटेड इन, जो इसकी माइंस है वो कहाँ लोकेटेड है? झारिया, गिरिथ, बोकारो एंड रानीगंज में. ये सारी जो है इसकी माइंस यहाँ पर लोकेटेड है. नाउ अब इसके बाद हमारा कौन सा है? डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, द डेक्कन प्लेट्यू, जो डेक्कन प्लेट्यू हैज़ रॉकी एंड अनइवन टेरेन. यानी कि ये क्या है? रॉक्स है वहाँ पे और अनइवन है, यानी कि ऊपर नीचे जगह है. इट लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुरा रेंज. जो ये कहाँ लाई करता है? साउथ में, सतपुरा रेंज की साउथ में लाई करता है. और कहाँ तक? एक्सटेंड्स अप टू द साउदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. यानी कि साउदर्न टिप इंडिया की जो है, पेनिनसुलर इंडिया की, वहाँ तक लाई करता है. एनामुडी इज द क्या है? इट इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन. ये जो है एनामुडी जो है वो इस रीजन की हाइएस्ट पीक है. द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड, जो डेक्कन प्लेट्यू है वो किससे घिरा हुआ? इट इज़ सराउंडेड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है. एंड बोथ मीट एट नीलगिरी हिल्स. और ये कहाँ पर दोनों मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं. द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली. जो ईस्टर्न घाट से वो कहाँ से? महानदी वैली से टू द नीलगिरी इन द साउथ. ये वहाँ तक जाते हैं, महानदी वैली से लेकर नीलगिरी साउथ में जो है वहाँ तक होते हैं ईस्टर्न घाट्स. दे आर इरेगुलर. ये क्या है? इरेगुलर है, एक जैसे नहीं है, इरेगुलर है, ऊपर नीचे आगे पीछे हैं. एंड कट बाय रिवर्स दैट फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल. और ये रिवर्स जो है इनमें बीच बीच में रिवर्स भी है जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं. द वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर अ कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ हिल्स. यानी कि वो जो है इरेगुलर है ईस्टर्न घाट्स, और जो वेस्टर्न घाट्स है वो क्या? कंटिन्यूस रेगुलर स्ट्रेच ऑफ हिल्स है. वहाँ पे क्या है? हिल्स है, और एक बार अगर हिल्स शुरू हुई तो कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ हिल्स है. इसकी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स भी है. सायदरी, नीलगिरीज, एनामलाई एंड कार्डमम हिल्स आर इम्पॉर्टेंट रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. यानी कि ये क्या है? कुछ इम्पॉर्टेंट रेंजेस है कहाँ की? वेस्टर्न घाट्स की. दे लाए क्लोज टू द सी अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट. यानी कि ये कहाँ पर लाए करते हैं? सी के जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर लाए करते हैं. महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जो ये रिवर्स हैं, दे ओरिजिनेट, ये कहाँ से बनती हैं? वेस्टर्न घाट से बनती हैं. एंड फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट, और ईस्ट की तरफ, ईस्ट साइड की तरफ फ्लो करती हैं. जो नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली रिवर्स, बट इनमें से कौन सी रिवर्स ऐसी हैं जो वेस्ट में फ्लो करती हैं? नर्मदा एंड द तापी रिवर्स आर द ओनली रिवर्स दैट फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट एंड फॉल इन टू अरेबियन सी. ठीक है, ये ऐसी रिवर्स हैं जो उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट साइड की तरफ फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाके गिर जाती हैं. द गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू. यानी कि जो द गोदावरी रिवर है वो क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है डेक्कन प्लेट्यू में. अब यहाँ पर जो है लाइफ कैसी है इस रीजन में. नाउ द साउदर्न प्लेट्यू कवर्स द फॉलोइंग स्टेट. जो लाइफ है उसमें कौन सा फोर स्टेट हमारे कहाँ के है? मध्य प्रदेश. नाउ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज़ भोपाल. जो कैपिटल मध्य प्रदेश की कौन सी है? भोपाल है. इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर आर सम ऑफ द पॉपुलर सिटीज़. यहाँ की पॉपुलर सिटीज़ कौन सी है? इंदौर, ग्वालियर एंड जबलपुर. द कान्हा नेशनल पार्क एंड द बंधवगढ़
नेशनल पार्क हैज़ बिन सेट अप टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स, यानी कि जो हमारे कान्हा नेशनल पार्क है और बंधवगढ़ नेशनल पार्क जो है, ये हमने बनाए गए हैं किसके लिए, सो दैट हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, पंचमारी एंड द टेम्पल्स एट द खजुराहो अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट। जो पंचमारी है और जो टेम्पल्स है कहाँ पर, खजुराहो में, अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे टूरिस्ट को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे देश से अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि लोग घूमने देखने ये टेम्पल्स आते हैं। पन्ना इज़ फेमस फॉर डायमंड माइंस, और जो पन्ना है वो किस लिए यहाँ पे फेमस है, फॉर इट्स डायमंड माइंस। वीट एंड द कॉटन आर द मेन क्रॉप दैट आर ग्रोन हेयर, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में वीट और कॉटन जो है मेन ग्रो की जाती है। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ लाइज टू द साउथ ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि छत्तीसगढ़ कहाँ लाइक करता है, साउथ में, यानी कि नीचे की साइड पे छोटा नागपुर प्लेट्यू के। इसकी कैपिटल कौन सी है, रायपुर इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। द स्टेट इज रिच इन मिनरल्स, और जो ये स्टेट है वो बहुत सारे मिनरल्स इस यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कोल, आयरन एंड मैगनीज आर माइंड हेयर। जो कोल, आयरन और मैगनीज है उनको हम माइन करते हैं। और यहाँ पे कौन सा जो है, भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन दिस स्टेट, और यहाँ पे जनरली सारा स्टील बनता है। द फार्मर्स ऑफ द स्टेट ग्रो राइस, लाइनसीड, बीटल एंड वाटरमेलन। यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, राइस होती हैं, लाइनसीड, बीटल एंड वाटरमेलन। नेक्स्ट इज झारखंड, नाउ झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट, एंड इट इज़ रिच इन मिनरल एंड फॉरेस्ट रिजर्व। यहाँ पे क्या है, मिनरल भी बहुत सारे पाए जाते हैं और फॉरेस्ट रिजर्व भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर जमशेदपुर, बोकारो एंड धनबाद आर द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़। यहाँ पे ये तीनों जो क्या है, बहुत फेमस एंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। द दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू दिस स्टेट, जो दामोदर रिवर है वो इसी स्टेट से फ्लो करती है। नाउ नेक्स्ट स्टेट इज़ ओडिशा, नाउ भुवनेश्वर इज द कैपिटल सिटी, इसकी जो कैपिटल कौन सी है, भुवनेश्वर है। एंड पुरी इज़ द सिटी ऑफ टेम्पल्स, जो पुरी है वो क्या है, सिटी ऑफ टेम्पल्स, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स पाए जाते हैं। सी द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, ये बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल है। द जगन्नाथ टेम्पल एंड द फेमस रथ यात्रा, जो जगन्नाथ टेम्पल है ये, और वहाँ पे रथ यात्रा होती है, जो कि बहुत सारे टूरिस्ट को वहाँ पे विजिट करने के लिए लेकर आती है एवरी ईयर। कटक इज़ द मेन इंडस्ट्रियल सिटी, ये जो कटक है वो क्या है, यहाँ पे मेन इंडस्ट्रियल सिटी है। और ओडिशा इज़ फेमस, किस लिए फेमस है, फॉर इट्स टेक्सटाइल एंड सिल्वर वर्क के लिए और वहाँ की टेक्सटाइल्स के लिए। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स, यहाँ पे जो राइस और जूट जो है मेनली ग्रो की जाती हैं। ओडिसी इज़ द पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ दिस स्टेट, यानी कि इसका कौन सा डांस फॉर्म फेमस है, ओडिसी। पीपल हेयर स्पीक ओरिया, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज, ओरिया प्रोनाउंस करते हैं, ओरिया लैंग्वेज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेट इज महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र कहाँ लाई करता है, इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्थ अपर साइड और वेस्ट की साइड पर डेक्कन प्लेट्यू के लाई करता है। एंड इसकी कैपिटल सिटी कौन सी है, मुंबई इज द कैपिटल सिटी। गोदावरी एंड कृष्णा आर द मेन रिवर्स दैट फ्लो थ्रू दिस स्टेट, गोदावरी और जो कृष्णा है वो मेन रिवर्स हैं। फार्मर्स हेयर, जो यहाँ पर फार्मर्स है वो क्या ग्रो करते हैं, कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट एंड मिलेट्स। सी कॉटन प्लांट्स ऐसे दिखते हैं। मैंगोज, ऑरेंजेस एंड बनानास आर ऑल्सो ग्रोन हेयर, मैंगोज भी उगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, ऑरेंज एंड ऑल्सो बनाना। द सॉइल ऑफ महाराष्ट्र, जो मिट्टी है महाराष्ट्र की, इज फॉर्म्ड बाय द लावा रॉक्स, लावा रॉक्स से बनी है। द लावा रॉक्स, दिस लावा रॉक्स पॉपुलरली ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। एंड इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, सी यहाँ पे ब्लैक सॉइल लग रही है ना नीचे, तो ये किस लिए एकदम ठीक है, एकदम सही है कॉटन ग्रो करने के लिए। और यहाँ के लोग जो हैं, पीपल हेयर स्पीक मराठी एंड कोंकणी, ये वाली लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं इन द महाराष्ट्र।
तमाशा अ टाइप ऑफ डांस ड्रामा एंड लवानी अ डांस फॉर्म आर पॉपुलर इन दी स्टेट, यानी कि जो ये डांस फॉर्म दोनों यहाँ पे बहुत फेमस हैं। नाउ नेक्स्ट इज कर्नाटका। तो कर्नाटका की बेंगलुरु जो है कैपिटल सिटी है एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस एज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। मैसूरू दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैसूर एंड मंगलुरु मैंगलोर आर द पॉपुलर सिटीज़, ये इनके सेम नाम है जो कि बोले जाते हैं। रिवर्स कौन सी, कृष्णा तेलंगभद्रा एंड कावेरी फ्लो थ्रू दिस स्टेट, यानी कि इस स्टेट से कर्नाटका से ये तीनों रिवर्स फ्लो करती हैं। नाउ कर्नाटका हैज़ अ रॉकी लैंडस्केप। कर्नाटका का क्या है, रॉकी मतलब रॉक से बना हुआ लैंडस्केप है, लैंड्स हैं वहाँ पे। पीपल प्रैक्टिस फार्मिंग एज देयर मेन ऑक्यूपेशन, वहाँ के लोग जो हैं फार्मिंग ही जनरली करते हैं। और वो क्या ग्रो करते हैं, दे ग्रो कॉटन शुगर केन कॉफ़ी स्पाइसेस एंड जवार, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ग्रो की जाती हैं। द फॉरेस्ट आर फेमस फॉर द टीक एंड सैंडलवुड ट्रीज, जो वहाँ के फॉरेस्ट है वो किस लिए फेमस है, टीक एंड सैंडलवुड ट्रीज के लिए। हैंडीक्राफ्ट्स मेड आउट ऑफ सैंडलवुड आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और यहाँ की मेन लैंग्वेज कौन सी है, कन्नड़ा, कन्नड़ इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अमरावती इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की कैपिटल है एंड हैदराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। द मेन ऑक्यूपेशन इज़ फार्मिंग, यहाँ के दोनों की जगहों के मेन ऑक्यूपेशन कौन से है, फार्मिंग के। फार्मर्स ग्रो, वहाँ पे क्या फार्मर्स ग्रो करते हैं, राइस ज्वार टबैको शुगर केन एंड ग्राउंडनट, ये सारे क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। तेलुगू एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर, यानी कि तेलुगू और उर्दू जो है मेन लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है। कुचिपुड़ी इज़ द फेमस डांस फॉर्म, यानी कि वहाँ पे बहुत, सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कुचिपुड़ी डांस जो कि वहाँ पे बहुत फेमस है। बिदरी वर्क ऑन ब्रास एंड कॉपर आइटम्स इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ दी स्टेट्स, यानी कि वहाँ की क्या स्पेशलिटी है, कॉपर आइटम्स और बिदरी वर्क ऑन ब्रास, ब्रास मेटल पर और कॉपर मेटल पर ये एक टाइप का वर्क होता है जो कि वो करते हैं। द चार मीनार सलरगंज म्यूजियम एंड द हुसैन शुगर केन आर द पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हेयर या इन द हैदराबाद, ये क्या है, वहाँ पे बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पे लोग आते हैं विजिट करते हैं। तिरुपति इज़ द इम्पॉर्टेंट टेम्पल, वहाँ पे बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, कहाँ पर, टेम्पल टाउन है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। नाउ नेक्स्ट इज तमिलनाडु। नाउ चेन्नई इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई की कैपिटल सिटी, चेन्नई जो है कैपिटल है वो किसकी, तमिलनाडु की। द स्टेट इज़ फेमस फॉर इट्स टेम्पल, ठीक है, जो स्टेट है वो किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल टाउन से कहाँ के, मदुरई के, थंजावर के, तिरुचिरापल्ली के एंड कांचीपुरम के। दिस स्टेट इज़ ऑल्सो नोन एज नोन फॉर द सिल्क साड़ीज, ये स्टेट जो है सिल्क साड़ीज़ के लिए भी जानी जाती है, जो कि पहनी जाती है कहाँ पर, दैट आर वोवन इन कांचीपुरम कम्बोत्रे एंड मदुरई में पहनी जाती हैं। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो कौन सा है, फार्मिंग है। फार्मर्स ग्रो राइस शुगर केन कॉटन एंड ग्राउंडनट, ठीक है, यहाँ पे ये सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ नीलगिरी हिल्स, जो टी है और कॉफ़ी है वो कहाँ पर ग्रो की जाती है, नीलगिरी हिल्स के जो स्लोप है वहाँ पर। भरतनाट्यम इज़ द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म एंड तमिल इज़ द मेन लैंग्वेज, तो भरतनाट्यम वो क्या है, एक डांस, एक टाइप ऑफ अ डांस फॉर्म है, टाइप ऑफ अ डांस है जो कि वहाँ पे किया जाता है। और यहाँ की जो मेन लैंग्वेज तमिलनाडु में बोली जाती है वो कौन सी है, तमिल। सो दिस वाज द ओनली चैप्टर, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू क्लास।